हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग एक नई लोकेशन दिखाने वाला हूं जो अबू धाबी में है। दोस्तों मैं अभी फ्लाईओवर का ऊपर में है, मैं अभी जा रहे बस स्टॉपेज का पास, वही बस स्टॉपेज में जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाएगा। अभी मैं जा रहे एक अच्छे फेमस जगह पर जा रहे जो आप लोग नेशनल पार्क है, मैं आप लोग को दिखाएगा वो जगह। दोस्तों मैं अभी बस स्टॉपेज के पास आ चुका हूँ, अभी नेशनल पार्क जाने के लिए बस के लिए इंतजार है। अभी बस आएगा तो हम लोग उधर जाएगा, अभी उधर का लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाएगा। दोस्तों मैं अभी बस स्टॉपेज का अंदर में बैठा हुआ है और आप ये देखिए ये रूम है, इसका अंदर एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है पब्लिक का सेफ्टी के लिए। आप देख सकते हो इधर बैठने के लिए भी सुविधा रखा हुआ है। दोस्तों मैं अभी गाड़ी से उतर चुका हूँ, अभी जाएगा हम लोग पैदल में, इधर से थोड़ा दूर है और अभी एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर ऐसा ही है, अभी हम लोग को उसमें से पैदल जाना पड़ेगा। अभी चलिए दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों इधर का रास्ता कितना साफ है और कितना सुंदर है, देखिए पेड़ वगैरह लगा हुआ है। दोस्तों मैं अभी जा रहे हैं, मेरे पीछे में अभी कोई गाड़ी बड़ी नहीं है, अभी मैं जा रहे आप देख रहे हो पीछे में इतना सारे पेड़ है, कितना सुंदर लगता है। अभी जो देखिए ये लगा हुआ है ना, अभी छोटा छोटा है और 10-15 दिन का बाद ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा और देखने के लिए सुंदर भी लगेगा। जेब्रा क्रॉसिंग का पास आ गया, अभी ये जाएगा इसमें से, अभी देखिए कितना बड़ा लोकेशन है, कितना बड़ा राउंड बोर्ड है। ये रोड क्रॉस कर चुका हूँ, आप देखा होगा, देखिए दोस्तों कितना बड़ा रोड है ये और कितना से बड़ा जगह में ये बना हुआ है। दोस्तों देखिए ये घर का साइड में है, जैसे लग रहा है अपना गांव पे है, इससे बहुत अच्छा लगता है, ये स्कूल वगैरह है वो अच्छा लगता है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी गांव जैसा मुर्गा मुर्गी घूम रहे हैं। दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहे हो, मैं एक सामने एक पोल दिखाई दे रहा है, ये वो एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा इस वो कैमरा है जो गाड़ी जा रहा है जोर में जाएगा तो स्पीड में जो गाड़ी जाता है उसका कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जैसे 120 का स्पीड में लगा हुआ है वो 120 से ज़्यादा जाएगा तो उसका क्या होगा, वो फ्लैश मारेगा, फ्लैश मार के उसका नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेगा और नंबर प्लेट को कैप्चर करके उसमें उसी के पास चला जाएगा फाइन बोल के। ये दुबई गवर्नमेंट का तरफ से ये लगा हुआ है, वो जो गाड़ी चला रहा है ना उन लोग के लिए पूरा सेफ्टी है ये, क्योंकि कोई ज़्यादा स्पीड से नहीं जा सकता, एक लेवल से पूरा जाएगा, एक लेवल का स्पीड से जाएंगे। दोस्तों अभी मैं नेशनल पार्क में पहुंचने वाला है, अभी इधर देखिए आप, इधर पानी भी बह रहा है, कितना सुंदर प्लेस है आप देख सकते हो। ये जो पानी आ रहा है वो रोड का उस तरफ से आ रहा है, ये रोड का नीचे नीचे पानी आ रहा है इस तरफ, इसका आगे में भी समुंदर है, पानी कितना साफ है और मछली भी इधर सामने है, आप देख पा रहे होंगे, शायद कैमरा में उतना नहीं आ रहा होगा लेकिन इधर मछली भी है। देखिए इधर जो लंबा लंबा लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा है वो आगे में मछली है। दोस्तों देखिए कितना बड़ा बड़ा मछली है, तो देखिए ये कितना अच्छा लगता है, मेरे पीछे देखिए पेड़ वगैरह कितना साइज से लगाया हुआ है। ये पार्किंग अभी हम लोग जो जा रहे हैं ये पार्किंग का रास्ता में है। देखिए दोस्तों अभी मेरे पीछे है ये बास्केटबॉल खेलने का, ये पार्किंग का एरिया में लगा रखा हुआ है, सॉरी पार्क में इसको रखा हुआ है। अब इसका साइड में रोड भी आता है, आप देख सकते हो गाड़ी भी जा रहा है और मेरे पीछे में जो आप देख रहे हो वो पाइन एप्पल का बिल्डिंग है। दोस्तों देखिए मेरे पीछे में मशरूम बना हुआ है सीमेंट से, सेम से मशरूम जैसा है। इधर पानी रखा हुआ है कोई चिड़िया वगैरह आके खाने के लिए, तो
देखिए दोस्तों, मैं अभी स्विमिंग पूल का पास है। ये डॉल्फिन स्विमिंग का स्विमिंग पूल है। अभी देखिए, ये जो आप पीछे मेरी देख रहे हो ना, वो लकड़ी सीमेंट से बनाया हुआ है और इसमें मुंह से पानी निकलता है रात में। अभी तो बंद रखा हुआ है, जब भी शाम का टाइम होगा उससे चालू करते पानी आता है, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। अभी तो हम लोग दिन पे आ गया है इसीलिए कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक से। उसके अंदर डक भी खेल रहा है, अभी देखो इधर ही आ रहा है। मैं जूम भी थोड़ा सा कर रहा है, देखिए दोस्तों वो अभी घूम रहे हैं। देखिए दो डॉक है, देख सकते हो कितना अच्छा जगह है। इसका सामने भी पाइन एप्पल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो देख रहे हो ये डस्टबिन है, कोई पार्क में कुछ खाएगा तो प्लास्टिक वगैरह इसका अंदर फेंक देंगे और नहीं तो इधर का कचरा हो जाएगा ये एरिया पूरा, इसीलिए पूरे देखिए इतना कितना साफ रखे है। दोस्तों अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो वाटरफॉल है और रात में से इधर से पानी आता है लाइट का साथ। देखिए दोस्तों मैं अभी पाइन बिल्डिंग का पास आ चुका हूँ, अभी मेरे पीछे है पाइन एप्पल बिल्डिंग। देखिए कितना सुंदर लगता है और उसका चारों तरफ देखिए कितना सजावट है, बहुत अच्छा लगता है। इसका ग्रास वगैरह सब कुछ कटिंग करके अच्छा से रखा हुआ है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।